रांची पुलिस ने एक मॉडल को ड्रग्स के कारोबार को संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि मॉडल ज्योति राजधानी में ड्रग्स का कारोबार चला रही थी। रांची के सुखदेव नगर पुलिस ने महिला मॉडल सहित दो व्यक्तियों को ड्रग्स के कारोबार में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरोह का सरगना पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस की गिरफ्त में आई मॉडल का नाम ज्योति भारद्वाज बताया जा रहा है। गिरफ्तार मॉडल पिछले 2.5 वर्ष से दिल्ली में रहती थी और फिलहाल रांची आई हुई थी और गांधी नामक ड्रग्स तस्कर के संपर्क में आने के बाद इस अवैध कारोबार में जुड़ गई थी। जानकारी के अनुसार मॉडल नशे की पुड़िया को सप्लाई करने के लिए एजेंट की भर्ती करती थी और ड्रग्स लेने वाले युवक को अपने होस्ट के जाल में फंसा कर उनसे ड्रग्स का अवैध कारोबार करवाती थी। गिरफ्तार मॉडल ज्योति भारद्वाज को विद्यानगर से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 28 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस ने जब मॉडल के घर छापेमारी की तो वही मौके पर मौजूद सरगना गांधी ने स्थिति को भांप लिया और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस के अनुसार रांची में इस तरह की पहली घटना है जिसे मॉडल की संलिप्तता ड्रग्स कारोबार में बताई जा रही है। सूचना मिली कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में शाही विहार कॉलोनी मैदान में कुछ लोग ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन और छापेमारी हेतु थाना प्रभारी सुखदेव नगर के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन करते हुए वहाँ पे छापेमारी किया गया तो वहाँ पे एक लड़के को ब्राउन शुगर बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। तो लड़के से पूछताछ के क्रम में पता चला कि उसको कोई गांधी नाम का युवक और एक महिला के द्वारा उसको ये ब्राउन शुगर दिया गया है। उनको बोला गया कि वहाँ जाके आप ये देने का कार्य कीजिए। तो जब उन्होंने बताया कि ये निशानदेही इनकी फिर इनकी निशानदेही पर सरण रेखा विद्याधर नगर में ये लड़की के घर पे छापामारी किया गया तो उन लड़की के घर से एल्यूमिनियम फॉयल वजन तोलने का एक मशीन और करीब 28 ग्राम ब्राउन शुगर और 3 मोबाइल बरामद किया गया। गांधी नाम का युवक जो था अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया तो उसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है। सर गांव तक ड्रग्स पहुंचाते थे क्या कुछ जानकारी इनके द्वारा दी गई है? क्योंकि युवाओं को युवती भी इसमें शामिल है, युवती भी शामिल है। अभी तक की जांच में ये तथ्य सामने आया कि जो ये युवती है और गांधी नाम का जो युवक है ये मिलके अपने लड़कों के थ्रू बिक्री का कार्य करवाते थे। गांधी इनको युवती को लाके देता था, युवती पैकिंग का कार्य करती थी, फिर युवती के माध्यम से जो ये हर्ष कुमार है ये लोगों को ये ब्राउन शुगर उपलब्ध करा। युवती का क्या बैकग्राउंड है? युवती ने कक्षा 12वीं पास की है 2017 में। उसके बाद वो पिछले 2.5 साल से दिल्ली में रह के मॉडलिंग में अपने करियर आजमाना चाह रही थी तो अभी यहाँ आई हुई थी तो यहाँ की ये बीए कर रही है। ठीक है सर, ठीक।